वेलकम बैक व्यूअर्स, दैट मेक दोहा फिर खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं सना और फ़खर, जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही लीडिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत ही हम इन्हें पसंद करते हैं, आप सब भी इनको चाहते हैं। इनसे हम कुछ इनकी लाइफ से अटैच कंट्रोवर्सीज डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट में आप दोनों से बात करेंगे हम आपकी लाइफ से और आपके कैरियर से अटैच जो कंट्रोवर्सीज हैं उन पे। तो आपने बोल्डली आंसर देने के सिवा फिर नाराज़ नहीं होना, एज यू नो कि ये कंट्रोवर्सीज अखबारात में हर जगह आती रहती हैं, तो लोगों के जहन में तो होती हैं, मगर एटलीस्ट इस तरह डिस्कस करने से ये होता है कि एटलीस्ट बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो हम पहले सना आपसे बात करते हैं, एक सवाल है आपसे। जावेद शेख आपके कैरियर को हाइट पर लेके गए और आपने उनके एहसानों को फरामोश करके शादी कर ली और उनको शादी तक में नहीं बुलाया। मैंने उनके एहसानों को कभी फरामोश नहीं किया। और दूसरी बात है, मैंने उनको शादी पर बुलाया था, हम दोनों ही गए थे उनको इनविटेशन कार्ड देने, लेकिन वो शायद किसी वजह से नहीं आया। आई थिंक ही वाज नॉट इन टाउन, ये तो वो बता सकते हैं, आई डोंट नो। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो बॉलीवुड में फिल्म थी, उस जो आपने काफला फिल्म की थी, उसके साइनिंग में भी जावेद शेख का बहुत बड़ा हाथ था, कि ऐसा दुरुस्त है कि उन्होंने आपको बॉलीवुड में मुतारिफ किया, क्योंकि ऑलरेडी बॉलीवुड में काम कर रहे थे जावेद। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन मैंने उनसे हमेशा, अब कोई भी करियर के मुतालिक कोई चीज़ होती थी तो हमेशा मैं उनसे कोई ना कोई गाइडलाइन लेती थी। इनफैक्ट मेरे कोई चेक की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने उनसे कोई हेल्प ली थी, जो कि मेरी फिल्म का कुछ चेक था, उसकी वजह से मेरा अकाउंट नहीं था वहाँ पर, तो उससे थोड़ी सी मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने हमेशा उनसे हेल्प ली। क्योंकि जावेद शेख का अपना प्लान भी था कि आपको प्रॉपरली बॉलीवुड में मुतारिफ करवाएंगे, क्या ये दुरुस्त है? नो, उन्होंने कभी आपको नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने कभी ऐसा मुतारिफ कराने वाला, क्योंकि वो अभी अपने आप को खुद नहीं वहाँ मुतारिफ करा सके सही तरीके से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अभी शेख साहब वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मुतारिफ नहीं हुए। जितने बड़े वो एक्टर हैं उस तरीके से उन्होंने वहाँ पर अच्छा काम उस तरीके से नहीं किया। मेरी अपनी ओपिनियन है, उनको और भी अच्छा काम करना चाहिए था, क्योंकि ही डिज़र्व फॉर देट। फ़खर, आपकी जो शादी से पहले मंगनी हुई, जो मंगनी टूटने वाला वाकया हुआ था, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था? यस। ओके, तो यानी वो जो साहब वो सारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए था कि मंगनी हुई भी और वो टूट गई? नहीं, देखिए बेसिकली द थिंग बिहाइंड, क्योंकि आप लोगों की मंगनी को इतना नोटिस नहीं किया गया था जितना टूटने के वाकये को नोटिस किया गया। आपको बताता हूं, बेसिकली इट वाज पीपल वर हैप्पी एंड आई वाज नॉट द पर्सन जस्ट हु वाज टोल्ड टू बी प्ले दिस स्टंट, बिकॉज़ को पता था अगर ही मुझे बता देगी तो फिर मैं इसका बिल्कुल नहीं मानूंगा, इस चीज़ पे अगेंस्ट होगा कि जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सो इसने मेरे साथ एक क्या प्ले किया, जस्ट टू नो कि लोगों की क्या ओपिनियन है हम दोनों की ब्रेक होने के बाद। और 90% जो इसके साथ लोग थे वो ये थे कि जी हम खुश हैं कि आपकी टूटी है, किसकी बात। और मैंने सबको बाद में सेंटर किया था जब हमारी शादी थी, मैंने सबको नाइट किया था, सब आए भी थे। ओके, तो उन्हें कैसे आपने उनको याद नहीं दिलाया कि आप लोग? बल्कि एक है, उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे आके कहा कि हाँ क्या हुआ, मंगनी टूट गई। मैंने कहा बस, मैंने कहा तुम बताओ तुम्हें खुशी हुई या दुख हुआ? कितनी नहीं, मुझे कोई खुशी भी नहीं हुई ना दुख हुआ है, मुझे पता था यही होना है। तो शादी वाले दिन वो आई थी, उन्होंने मुझे फूल दिए, तो मैंने कहा अच्छा तो अब आप क्या कहेंगे, कहती मुझे तो पता था यही होना है। फिल्म खुले आसमान के नीचे की प्रमोशनल कैंपेन में आपने दिल से हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि जावेद शेख से आपके ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे उस वक्त। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने दिलो जान से हिस्सा लिया था, वो फिल्म नहीं चली इसकी वजह से, अदरवाइज ना कोई जावेद शेख का इशू था। जावेद शेख स्टिल मैं आई रिस्पेक्ट हिम एंड मैं उनको अपना अच्छा फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मानते बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा फ़खर, आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि फ़खर आप ये दावा करते हैं कि लॉलीवुड की किसी फिल्मी जोड़ी की शादी ऐसी नहीं हुई जैसे कि आप लोगों की हुई, इस वजह से बाकी फिल्मी सितारे आप और सना की शादी के बाद, मतलब बहुत सारे जो हमारी लॉलीवुड हीरोइंस है वो कॉम्प्लेक्स का एक यू नो हो जाता है कि नहीं हमें भी ऐसी करनी, वो एक ट्रेडमार्क बन जाता है ना कि ये ऑलरेडी हो चुका है, हमें इससे बेहतर जाना है, तो क्या आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में सबको मुबतला कर दिया या आप कहते हैं नहीं? हमने किसी को नहीं किया, इट्स नेचुरल। देखिए डेफिनेटली इसका मेरा जो था वी बोथ फेल इन लव विद ईच अदर, और ये किसी को इस प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं थे। लाइक अस, दैट्स द सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर, नोबडी बोल्ड लाइक अस। बड़ी ज़बरदस्त रही रेड अलर्ट में, मैं सोच रहा था काफ़ी गुस्सा होगा काफ़ी बातें होंगी, आप लोगों ने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आंसर दिए। वेल व्यूअर्स, आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त बातें हुई हमारे इस सेगमेंट में, मगर अभी हमारा एक और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो कि रेड काउंटडाउन है, जिसमें हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग काउंटडाउन दिखाएंगे अपनी इंडस्ट्री के हवाले से। तो आइए चलकर रेड काउंटडाउन देखते हैं, उसके बाद फिर इनसे बात करेंगे। द रेड के स्पेशल काउंटडाउन में आज हम आपको दिखाएंगे हमारी फैशन इंडस्ट्री के टॉप 3 मेल मॉडल्स।
रेड काउंटडाउन में नंबर 3 पर हैं वेरी हैंडसम एंड गॉर्जियस अब्दुल्ला एजाज। जहां ये मॉडल रैंप पर कमाल दिखाते रहे हैं, वहीं स्टिल शूट्स में भी इसका कोई सानी नहीं। डिफरेंट ब्रांड्स के एम्बेसडर रहने वाले ये खावर बॉय बेस्ट मॉडल का लक्स स्टाइल अवार्ड भी जीत चुके हैं। फैशन इंडस्ट्री में अपनी लीन फिजिक और शार्प फीचर्स से सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाले स्मार्ट हंक रिजवान हैदर हमारे रेड काउंटडाउन में नंबर 2 पर हैं। रैंप और स्टिल शूट्स के अलावा रिजवान म्यूजिक वीडियोस में भी अपना जलवा दिखाते रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री के हॉट हंक अमीर ज़ेब, जिसको फैशन इंडस्ट्री की सब मॉडल्स पुरकशिश तरीन मेल सेलेब कहती हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स का ये कॉम्बिनेशन हमारे रेड काउंटडाउन में नंबर 1 पर है। और क्यों ना हो, आखिर बेस्ट मेल मॉडल का लक्स स्टाइल अवार्ड भी तो अमीर की पॉकेट में ही है। व्यूअर्स, आपने रेड काउंटडाउन को एंजॉय किया। अगर आपके जहन में कोई और तजवीज़ है इन काउंटडाउन्स के हवाले से, आप चाहते हैं कि इस तरह का काउंटडाउन हमें देखना है या इस बारे में भी हमें देखना है, तो प्लीज़ हमें मेल ज़रूर कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है theredatcity42.tv। आपकी मेल्स का हमें वेट रहेगा। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट सना और फ़खर, जिनसे हम बात कर रहे थे। सना और फ़खर, आप चलें जाते हुए अब हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, तो आप ऑडियंस को, जो आपके फ़ैन्स हैं, इसे देखने वाले हैं, अब तो शादी के बाद और भी मज़ीद हो गए हैं, तो अब उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले फ़खर आप। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखें, लाइफ जो है इट्स टू शॉर्ट, ठीक है। आप जो आपके दिल में ख्वाहिशात हैं आप वो करें, जिसे आप लव करते हैं उसे अपना लव एक्सप्रेस करें। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, यू विल गेट इट व्हाट यू वांट। क्योंकि अगर आप इसी हेजिटेशन में रहेंगे कि यार मैं आज कहता हूँ, मैं कल कहता हूँ, मैं परसों कहता हूँ, तो भाई फिर तो इट्स जस्ट लाइक अ बर्ड, शी विल फ्लू अवे एंड यू विल नेवर फाइंड। क्या बात है। और सना, फिलोसोफर हो गए शादी के बाद। मैं तो बस यही कहूंगी कि बस इधर उधर की बातों में ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं, अपनी अकल से काम खोल के जियो, जिंदगी को एंजॉय करो, इधर उधर की बातों में अमल ना करें। वेल व्यूअर्स, आपने देखा प्रोग्राम, आपको कैसा लगा? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट सना और फ़खर भी मौजूद थे। आप हमारे शो के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है theredatcity42.tv। इस पर हमें मेल करें, बताएं आप क्या बेहतरी चाहते हैं, आप किस तरह का शो और देखना चाहते हैं, ज़रूर हमें बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। दिस इज़ मुकर्रम कलीम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।